हेलो एवरीवन। और फैक्टेक ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि हार्ट अटैक ज़्यादातर औरतों को आता है, जो सरासर गलत था। और 23 अप्रैल को क्या हुआ ऐसा कि आरसीबी टीम ने इस दिन को ब्लैक डे में डाल दिया, और क्यों आखिर कुछ लोगों का गला बाहर निकला हुआ होता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, ये एक सच है कि आज के समय ज़्यादातर लोग कबीर सिंह और केजीएफ जैसी मूवी देखकर सिगरेट पीना स्टार्ट किए। मतलब क्या है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप तो कबीर सिंह की तरह सिगरेट पीने लगो, और जो लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे तो उनके दिमाग में हमारे रॉकी भैया आ जाते कि वो भी तो सिगरेट पीता है। लेकिन रियलिटी में तो वो एक एडिटिंग होती है, और लोग उसे सच मानकर सिगरेट को एक फैशन बना लेते हैं। उन्हें शायद नहीं पता कि फिल्मी लाइफ और रियल लाइफ में काफी अंतर है। नंबर टू, कुछ साल पहले फैक्टेक ने एक वीडियो निकाली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आदमियों के कंपैरिजन में औरतों को जल्दी हार्ट अटैक आता है क्योंकि उनका मन काफी नाजुक होता है। लेकिन ये पूरी तरह से रॉन्ग प्रूव हुआ। एक रिसर्च के अनुसार जब भी औरत के मन में कोई दुख होता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देती है, जिससे कि उसका मन काफी हल्का हो जाता है। और ये आपको भी पता होगा कि आपके डैड कितना भी बड़ा दुख क्यों ना, वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, और ये उनके मन में एक बोझ बना रहता है जिससे कि हार्ट अटैक आने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। एम आई राइट, कमेंट्स में प्लीज बताना। नंबर थ्री, 23 अप्रैल तो आरसीबी के लिए काला दिन साबित हुआ। ये वही दिन था जिस दिन आरसीबी ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, और इसी दिन गेल का बल्ला चला था, और इसी दिन आरसीबी ने अपना सबसे छोटा स्कोर बनाया, और इसी दिन 2022 को आरसीबी ने अपना सेकंड लोएस्ट टोटल बनाया। ये क्या था, कोई कोइंसिडेंट था क्या? नंबर फोर, हर ट्रेन के डिब्बे पर इस हैंडल को दिया जाता है, और आई नो ये आपको भी पता होगा। दरअसल जब इंजन और डिब्बे अलग होते हैं तो इसे घुमाने पर ब्रेक लगता है ताकि डिब्बा अपनी जगह से ना हिल सके। देखा जाए तो ये डिब्बे का ब्रेक ही है। नंबर फाइव, जब भी हमारी बॉडी में छोटा मोटा कट लगता है तो हम बैंडेज लगाते हैं, लेकिन आखिर ये बैंडेज काम कैसे करता है? दरअसल बैंडेज में छोटे छोटे येलो पार्टिकल्स होते हैं जो कट पर जाते ही हमारे सेल्स को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। नंबर सिक्स, गले के बाहर जो ये हिस्सा आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आई नो इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। दरअसल जब लड़के अपनी ग्रोइंग फेस में होते हैं तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम के हॉर्मोन्स ग्रो होने लगते हैं, और इसी की वजह से लड़कों में दाढ़ी आती है, और साथ ही साथ ये हमारी आवाज को भी काफी भारी करता है। अभी हमारी आवाज को भारी करता है इसलिए हमारे गले में मौजूद थायराइड कार्टिलेज का साइज भी काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए ये ऐसा दिखता है। ये सभी लड़कों में इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हर एक का गला हर एक से अलग होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे इफेक्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।